ओके सो लेट्स कम टू द टॉपिक स्क्रीन जा रहा है ना? जी हाँ चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट आप लोग 6 असाइनमेंट नंबर 6 वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो एट योर एंड। टेक द कैलकुलेटर, टेक द कॉपी एंड ट्राई डूइंग इट। आई विल सॉल्व इट नाउ, नो प्रॉब्लम। जस्ट टेक योर 2 मिनट्स टाइम एंड ट्राई सॉल्विंग इट। ओके
मिरज भाई आप कर ले। So the question is, the question is very clear. It's asking you to apply the activity based costing. Okay. So when it comes to the activity based costing, we will try to identify what are the activities. These are the one which is our activity. This is the cost where we are the cost pool for us. So I will just copy this cost pool. मेराज भाई आंसर ए है 3.75। ओके आई जस्ट ब्रिंग इट देयर। So, what I did, I just copied the cost first. Okay, now I know all this cost. Okay, so. So this is the cost. I think it's 9. Hello. Machine setup cost, and these are the kind of cost is called machine setup cost or inspection cost. So this is there is a two type of product we have. Okay. So receiving cost based on the receiving of order per line. So I will write 200 the activity. First I will write, I will just try to make you understand. First you are writing the activity. Then you will writing the 200. Okay. The second is coming engineering cost. The engineering cost means what? Then machine setup cost. So setup can be based on the production run 12 or 8 20. So I am writing the reasoning for that. मिस्टर भाई इसको क्या कॉस्ट पूल बोलते हैं, कॉस्ट ड्राइव बोलते हैं, कुछ और इस करते हैं लोग? जिसका नाम होता है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर, ओके, थैंक यू। Okay, this is like a cost pool where the cost is getting accumulated. Okay, now there's an inspection is 50. So first inspection is coming based on the inspection cost. Okay, so inspection is how many times? 50 times. What I missed. So engineering is based on what? Production order per machine. Engineering is based is how आपने आजम भाई कौन सा लिया था इंजीनियरिंग? मैं रिसीविंग ऑर्डर्स लाइन लिया था और रिसीविंग कॉस्ट लिया 450,000 फर्स्ट वाला। नहीं, ये इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग किस पे लिया आपने? ये बजटेड, लेकिन ये इंजीनियरिंग के बारे में नहीं बोल रहा ना मेरा पे, ये बोल रहा एलोकेटेड रिसीविंग कॉस्ट, रिसीविंग कॉस्ट के बारे में। सॉरी, जी जी हाँ बिल्कुल। ओके ओके ओके, जस्ट क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक, रिसीविंग के बारे में बोल रहा है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा।
हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। जी हाँ ठीक है, इसका मतलब है कि ये तीन इन्फॉर्मेशन मेरे लिए अभी तो काम का नहीं जरूर है, आगे जरूर, कभी काम में आएगा तो आएगा, अभी तो काम का नहीं है। तो दिस डिवाइड बाय दिस मेरे को 2250 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, प्रोडक्ट ए का, तो प्रोडक्ट ए पे कितनी रिसीविंग है, 50 की रिसीविंग है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 50 से रिसीविंग कर लेंगे। दिस इज द कॉस्ट फॉर वन रिसीविंग ना, 450,000 इज द रिसीविंग कॉस्ट। जी हाँ एंड रिसीविंग कॉस्ट इज हमारे पास रिसीविंग ऑर्डर है 200, तो हमने पहले 200 से उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है, तो हमने 200 से सबसे पहले डिवाइड कर दिया, तो मेरे को 2250 आया। अब चूंकि उस पे रिसीविंग कितना टाइम था, 50 टाइम था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2250 × 50 टाइम, और हमारा प्रोडक्शन कितना था, एक का 30,000 का प्रोडक्शन था, तो हमने 30,000 का प्रोडक्शन लिया और हमसे पर यूनिट मांग रहा था, देन आई डिसाइडेड। तो ये हमारा 3.75 हमारा आंसर बन गया। तो दिस वे वी कैन आंसर आवर क्वेश्चन। जी रोशन भाई, इसमें आपको कोई डाउट है बताएं? ये हम लोग 450 जो अमाउंट है उसको हम 200 से डिवाइड किया, बिकॉज इट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल ऑफ ड्राइवर, टोटल ड्राइवर, सो वी वांट टू फाइंड आउट ऑफ दैट ओनली कॉस्ट पर प्रोडक्ट ये, दैट इज 50। या यस, सो दिस इज द ओवरहेड कॉस्ट फॉर ए। ओके, और कॉस्ट फॉर ए, दिस इज द प्रोडक्शंस and this is overhead cost A. Okay, okay. So this is the question one. Yeah. Now coming to the question number two. This question. Yeah. Just try to read it. Profitable company with a fire department. D. सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि द प्रॉफिटेबल कंपनी विद फाइव डिपार्टमेंट यूजेस द प्लांट वाइड ओवरहेड। प्लांट वाइड ओवरहेड मैंने आपको बता दिया था, ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में आता है, एंड इट्स अ हाईली डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस। अगर उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, द फर्म इज जस्ट स्टडिंग अ चांस टू ईदर टू एलोकेट द ओवरहेड बाय यूजिंग द डिपार्टमेंटल हेड और यूजिंग बाय ABC, so which of the following method will likely to give a greater number of the cost allocation based on more accurate? Obviously, बात है, D देगा answer. Yeah, क्योंकि लोग ABC use करें. Yes, because D is the right platform जहाँ पे उनको पूरे के पूरे exact चीजें मिलेंगी, accuracy भी मिलेगी और साथ में आपको क्या मिलेगी? वहाँ पे नंबर ऑफ ड्राइवर्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ लोकेशंस ज्यादा होंगे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री पे। फैक्ट्री ओवरहेड, भाई स्क्रू एंड ग्लू इज नॉट आइडेंटिफाइबल विद द डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर। एक्यूरेट राइट है? हाँ हाँ राइट है भाई। ओके, पास, वन मार्क मिला। राइट है, राइट है। Company is beginning operation as constructed three alternatives.
सी मेरे ख्याल से सी सी यस बोले भाई साहब आई वांट टू नो द लॉजिक व्हाई आजम भाई बोलो भाई सॉरी डी है मेराज भाई क्वेश्चन नंबर चार का आंसर डी है बोल रहा है यंग कंपनी इज बिगनिंग ऑपरेशन बिगनिंग ऑपरेशंस एंड इट्स कंसीडरिंग द थ्री अल्टरनेटिव वे टू व्हिच द एलोकेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द इंडिविजुअल यूजिंग द प्लांट वाइड रेट यूजिंग द डिपार्टमेंट और पहला ये दो ट्रेडिशनल वे है ठीक है तीसरा है एबीसी मॉडर्न Young will produce many type of methods in its single plants and not all products will process through the all department. इसका मतलब बहुत diversified production है. In which of the following department situations we reported the net profit income to be the same regardless of which the allocation methods can be selected. अगर changing balance अगर zero है तो कोई सा भी ओवरहेड उसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारा का सारा इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 नहीं समझा नहीं समझा नहीं अरे भाई समझा नहीं बताएं देखो मान लो कि आपने 100 यूनिट बनाया हां 100 इन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में बनाया नहीं पहले आप सुनो ना 100 यूनिट बनाया ठीक है उसके बाद आप बोलता है आपका दो टाइप का कॉस्ट है जस्ट आई एम सेइंग रिसीविंग कॉस्ट है 500 का उसके बाद है सेटअप कॉस्ट है 200 का इसका मतलब है कि टोटल ओवरहेड आपका कितना है 700 है ठीक है जी अब अगला प्लांट वाइज जाना चाह रहे हो प्लांट वाइज तो अगर ये प्लांट होता अगर यही एक प्लांट होता ठीक है तो प्लांट में मान लो कि प्लांट आवर्स अगर पता होता मेरे को एक बार फॉर द टाइम बीइंग कंज्यूम एज्यूम कर रहे हैं कि ये प्लांट होता और प्लांट आवर्स होते मतलब कितना देर प्लांट चल रहा प्लांट आवर्स से 500 ठीक है इसका मतलब ये है ये 7 डिवाइड बाय 500 पर यूनिट कॉस्ट कितना आता 140 क्लियर और आप 500 यूनिट बनाते 100 यूनिट सेल कर देते सेल भी आपका 100 यूनिट होता इसका मतलब है कि आपके लिए जो इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट जाता वो कितने का जाता प्रोडक्शन कॉस्ट 100 यूनिट पे नहीं ये प्लांट वाइड कॉस्ट है पर आवर पे और एक आवर एक वन यूनिट प्रोडक्शन टैक्स 2 hours by 1.4 तो ये अब आपका आंसर ये बनता तो ये 700 आपका इनकम स्टेटमेंट में हो जाता अगर मान लो एक फॉर द टाइम बीइंग में मान लो कि आपने 100 प्रोड्यूस किया लेकिन आपका अगर 80 सेल हुआ
कितना सेल हुआ? 80. तो बाकी का जो हाँ बाकी का जो 20 है वो आपका क्या हो जाता? कैरी फॉरवर्ड हो जाता. क्या हो जाता? कैरी फॉरवर्ड हो जाता. अब मान लो कि इसमें सेल हमने 100 की जगह 80 कर दिया, तो अब जो इनकम स्टेटमेंट में जो जाएगा आपका वो कॉस्ट क्या जाएगा? वो आपका जाएगा 80 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 560 जाता, और बाकी का जो क्लोजिंग स्टॉक में चला जाता. कितना क्लोजिंग स्टॉक में जाता? 700 माइनस 60 ये 140. इफ यू आर फॉलोइंग द प्लांट मेथड. क्या मेथड यूज कर रहा था? प्लांट मेथड. अब मैं इसकी मेथड चेंज कर रहा हूँ. नाउ यू आर यूजिंग द अदर मेथड्स लाइक डिपार्टमेंट टाइप. ओके, तो से यूनिट प्रोडक्शन इन सेम आवर्स instead of plant you can say that department hours दिया हुआ है. recovery rate predetermined rate and if you are selling 100 so your all cost will go like this. So here I can say that okay, one unit you are taking 4 or 3.75 you are taking it. So it means it you are मेरज भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है. सी इफ योर रेट इज 400 सो यू आर if you don't have any closing inventory. But in the other hand, if you are sometime if you are selling only 80 items, your inventory will, if you have an inventory, like say some inventory sold 80 units and then some statements will only go 560 and the, what is the inventory item will have left 140. It means you will left for how many items? For 240 as a closing stock. So if I am taking 4.25 here. Because if you are, the recovery rate is getting changed. So, what was the question? बोल रहा है कि इन ऑल द सिनेरियो द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर वुड बी रिकॉर्डेड रिगार्डलेस द ओवरहेड एलोकेशन मेथड्स. इफ वी आर एक्चुअली फॉलोइंग मे बी इन दिस मे बी इट विल चेंज लाइक आई हैव नॉट पुट द राइट राइट नंबर्स. इफ यू हैव नो स्टॉक योर ऑल एक्सपेंसेस ओवरहेड विल गो टू द इनकम स्टेटमेंट and your net profit will be same in all the scenarios. So if there will be any closing stock, maybe because of the recovery rate, the closing stock value will get changed. If I have some example, I will put it in the right numbers, because here maybe I'm not putting the right number for the allocation. So hamare paas jo hota hai, kyunki agar sare ke sare agar zero inventory hai, so whatever be the productions method you use, आपका इनकम जो होगा वो चेंज नहीं होगा. दैट विल बी द सेम फॉर ऑल द सिचुएशंस इफ यू डोंट हैव द इन्वेंटरी.
जीरो इन्वेंटरी में क्लोजिंग इन्वेंटरी है, जीरो इन्वेंटरी, जीरो इन्वेंटरी पे आपके इनकम स्टेटमेंट पे नो इन्वेंटरी, नो इन्वेंटरी मींस ओपनिंग इन्वेंटरी और क्लोजिंग इन्वेंटरी जीरो, नो 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 इन्वेंटरी मींस नाइदर ओपनिंग नॉर क्लोजिंग, देन नो डिफरेंस ओनली, ओके ओके, नेट इनकम विल बी सेम, जीरो इन्वेंटरी. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर, no no difference, IS will be same in all the scenario. Now question number 6 comes. The question is very clear, you have to use departmental overhead, means question is asking to use the traditional methods using the direct labor hours, and you have to get the cost for job number 231 in the tooling department, for the tooling department. Okay, now you please try to solve this question. Use in the department override application rate, allocating overhead basis direct labor, direct labor total, direct labor hours for job 10. हो गया, हो गया, अब स्टार्ट करना। देखो सबसे पहले ये वाला है 8960 इज द टोटल ओवरहेड फॉर द टूलिंग डिपार्टमेंट, तो मैं इसको कर रहा हूँ टूलिंग डिपार्टमेंट का 8960 इज फॉर द टूलिंग डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर एंड द आवर्स इज 440, तो हमारा पर आवर रेट जो बनता है वो क्या बनता है 20.36, उसके बाद जो है 10 आवर्स लेता है ये, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 आवर्स करेंगे, सो दिस विल बी 203, 8690, सो दिस कॉस्ट विल कम लाइक 197.5. So this is a very simple question, but just you need to read properly in your exam hall. How you बहुत आसान सा question था। आपको कैसे मालूम पड़ा कैसे करने का? क्योंकि सबसे पहले ये बोला है departmental overhead use करेगा, इसका मतलब है कि ये traditional costing है। दूसरा बोल रहा है कि direct labor hour पे use करेगा, इसका मतलब ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है। तीसरा बोला है जॉब 231 पे कॉस्ट असाइन करो, तो जब 231 टूलिंग का 10 आवर शिफ्ट लेता है तो 10 आवर के रिलेटेड जो कॉस्ट है वो असाइन कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 करें फटाफट।
भाई ए है आंसर। सही है। नहीं गलत है। गलत। गलत बी 120 बी 120 नो गलत जवाब। नहीं गलत जवाब। चलो आप ट्राई करना। देखो सबसे अब समझो जब आप बात करते हैं ना आवाज ब्रेक होता है, अभी आवाज नहीं सुन रहे। समझो बोला कि 70,000 का पैकेज लगाया है। नहीं आप कॉर्पोरेशन आपका आवाज नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है।
हेलो हेलो आसिम भाई। हेलो हेलो। हाँ कौन? हाँ रोशन भाई, आवाज नहीं आ रही थी जब से। क्या आपका हो जा रहा है? मेरा हो जा रहा है? हाँ आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी क्लियर है। खाली आज मिरज भाई का नहीं आ रहा है, शायद वो माइक्रोफोन नहीं यूज करता होगा। जी शायद आप उनका। आपका आपका भी आवाज क्लियर है, ब्रेक नहीं हो रहा है। जी हाँ, और दूसरा कौन है उसको, उसे भी बात करेंगे, यशवंत से बात यश करेंगे। यश। हाँ जी यशवंत हाँ है, जी यशवंत क्लियर है ना? हाँ जी क्लियर है। हाँ कल मीरज भाई के क्या हो गया? पहले मेरे भी सेम प्रॉब्लम था, वो लैपटॉप में ना वो माइक्रोफोन बिल्कुल। काम नहीं करते, इसलिए एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। उनको मैसेज भी किया मगर रिप्लाई नहीं किए वो। ओके ओके, व्हाट्सएप में देखें क्या है। हेलो मिरज भाई, हम लोग बात कर सकते हैं? हमारा आवाज बराबर है आजम से, ऐशवान से, बट आपका ही खाली ब्रेक हो रहा है, शायद आप माइक्रोफोन लगाना पड़ेगा। नहीं वही पूछ रशिया के। रहे थे। हाँ
No, because it was mute. Mute था भाई. Okay, अभी आया. It was on mute. हाँ मैं म्यूट पे आया था, मेरे को समझ में नहीं आया. 7 नंबर आप फिर से पढ़े ना, कोई मसला है ना? Because I solved it very fast, so I just want you to read why this question is solved in that way. अभी आपको 7-7 में आया था कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया. तो आप पढ़िए ना, साथ में ये बोलता है कि आपका टोटल लेबर कॉस्ट 50,000 होता है 5 रुपए के हिसाब से. इसका मतलब है कि 10,000 लेबर आवर्स यूज होता है, एंड वो 10,000 लेबर आवर इज गोइंग टू बी द बेस फॉर द ऑल फॉर द ओवरहेड एलोकेशन. जो ओवरहेड का ये जो 70,000 है, उसका जो डिटरमाइंड रेट या एलोकेशन रेट निकलेगा वो लेबर आवर के बेसिस पे. तो हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट व्हाट आई डिड, ये जो हमारा 50,000 था उसपे हमने लेबर के रेट के हिसाब से निकाला, तो मेरे को लेबर आवर रेट निकल गया. अब मैंने उसको ओवरहेड पे अप्लाई किया तो मेरा ओवरहेड रिकवरी या अप्लाइड रेट निकल गया. उसके बाद जो जॉब था उसपे 20 आवर्स जो है ये लगते थे, 20 आवर्स का लेबर आवर लगता था, तो हमने 20 आवर्स के लेबर आवर को मल्टीप्लाई कर दिया उसपे. ओके भाई, आंसर क्या है मेराज भाई उसका? आंसर आएगा सी, 140. देखो एक बार आप एक्सेल पे कर दीजिए ना. एक्सेल पे ही किया मेरे भाई, मगर कुछ आ रहा नहीं, कुछ हम लोग को डिस्प्ले नहीं हो रहा, मतलब स्क्रीन स्टक है शायद. अच्छा, एक वो नेटवर्क बीच में 2-3 मिनट के लिए चला गया था भाई, पता नहीं किधर गया था. ये कोरोना के डर से ये भी भाग जाता है. उसको मास्क डालना पड़ेगा अभी. मास्क डालना पड़ेगा, सही बात है. देखो भाई एक्सेल, देखो भाई जी मैं तो अब लगा रहा हूँ. उनके बाबा सऊदी में थे ना, तो ये लोग बोले. ये समझ आया, 50,000 का लेबर था, 5 रुपए का उसका लेबर का रेट था, तो 10,000 घंटा निकला. उसको 70,000 हमारा ओवर रेट था, तो ओवर रेट अप्लाइड रेट 7 रुपया निकला. अब जो जॉब था पर्टिकुलर जॉब पे करने के लिए आपको कैसे मालूम पड़ा? अरे क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना भाई कि ओवरहेड का जो रिकवरी रेट है वो लेबर आवर पे है. व्हेन यू सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन का लिखा ना हुआ है कि ओवरहेड इज अप्लाइड बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर. ओके.
या नाउ इट्स क्लियर यस अब बताएं ये क्वेश्चन नंबर आठ भाई आठ 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 एट 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 एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग गूगल चार्ट से बोल रहा है ट्रेडर प्रोडक्ट का लाइन डी पता नहीं बाकी लोगों को भी चांस दिया जाए पढ़ो क्या हाँ हैंडी मैन्युफैक्चर विच यूज डायरेक्ट लेबर पावर टू ओवरहेड इसका मतलब है ये एडिशनल मेथड है Under the extensive renovation and modernization program 2 years ago, the manufacturing process are re-engineered and considerable automated overheads are acquired. Equipment was acquired and 60% of the company's non-factory workers were terminated. इसका मतलब हो गया कि बहुत सारा सिस्टम ऑटोमेटेड हो गया अब बोल रहा है कि इसमें से बोल रहा है कि which of the following statement would apply to the situations at Henry? Henry के situations पे कौन सा चीज apply होगा तो आपने पहला बोला द कंपनी फैक्ट्री ओवरहेड इज लाइकली इंक्रीज पहला क्वेश्चन बोला ये कि फैक्ट्री का ओवरहेड इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो सकता है रीजन ये है क्योंकि अभी क्या है कि लेबर पे नहीं अलोकेट हो रहा है बल्कि ये मशीन आवर पे हो रहा है तो जो मशीन की कॉस्टिंग रहेगी या उसके जो ऑपरेशनल कॉस्ट रहेंगे वो डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बंदे के अगर ऊपर होते तो जितना रिक्वायर्ड होता उतना ही बंदा इम्प्लॉय करते लेकिन मशीन आ गया तो मशीन की जरूरत जो है अब उसको एक प्रोडक्शन से बना एक यूनिट प्रोड्यूस करने या 100 उसके कॉस्ट जो है बढ़ जाएंगे जब ज्यादा लार्ज प्रोडक्शंस होगा तो हो सकता है उसके कॉस्ट घट जाएंगे बट अभी अज्यूम कर रहा हूं कि उसके लार्ज प्रोडक्शंस नहीं है दूसरा बोल रहा है कि द यूजर्स ऑफ सिम्स टू बी द एप्रोप्रिएट तो ये लाइन गलत है रीजन ये है कि चूंकि अब मैक्सिमम लेबर आवर है नहीं मैक्सिमम लेबर इंटेंसिव वर्क नहीं है वुमन इंटेंसिव काम नहीं हो रहा है तो लेबर आवर इज नॉट द राइट वे ऑफ अपोर्शनिंग द कॉस्ट हैंडी विल लैक द एबिलिटी टू प्रोबेबली डिटरमाइन द लेबर वेरियंस बोला है कि उसके पास हो सकता है कि वो लेबर वेरियंस निकालने में मुश्किल हो जाएगा ऐसा उसको लग रहा है बोल रहा है कि इज लाइकली टू रिड्यूस द एबिलिटी टू क्विकली कट कॉस्ट इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक स्लो डाउन तो हमने आपको बोल भी दिया था ये पहले ही आंसर्स में था कि अगर उसको एक प्रोडक्शन चाहिए तो या 10 चाहिए तो नाउ ही हैज टू स्टार्ट द मशीन इसका मतलब यह है कि प्रोबेबली उसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा और इकोनॉमिक शटडाउन में उसके कॉस्ट भी नहीं घटेंगे क्योंकि वो तो आदमी है नहीं कि जितना जरूरत होगा उतना लाएगा ये मशीन है और उसके जो कॉस्ट है वो चालू हो जाएंगे तो उसके लिए कॉस्ट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा इन केस ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन सो द आंसर वुड बी बी दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन This is a logical question. Now question number nine.
डी मेरे लिए, आपके लिए डी। चलो मैं आपके लिए डी रख देता हूँ, सबके लिए डी रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए ये वाला करके बताइए। अभी लॉजिक लॉजिक सबके लिए, देयर इज नो लॉजिक, इट्स सिंपल ना, बिकॉज वुमेन, ये सारे काम जो है एम्प्लॉयज के स्किल बेस्ड काम है ना, तो इसीलिए एम्प्लॉयज इसका बेसिस फॉर एलोकेशन होगा। 10 10 10 10 10 ये पहले किया दिखते किया किया लग रहा है, लेकिन अभी नंबर्स चेंज है ना, अभी दूसरा प्रोडक्ट, अभी लाइन चेंज हो गया, अभी प्रोडक्ट बी पे है, अभी इंजीनियरिंग कॉस्ट को बांटना है, पहले कोई और कॉस्ट था, तो इट्स अ लिटिल डिफरेंट, रिसीविंग था, रिसीविंग, हाँ अभी इसीलिए तो अभी आपने कैसे किया, पूल ले लिया, मैंने सिंपल किया था भाई, मैंने सिंपल किया था भाई, मैंने बोला था एक काम कर लो भाई, इंजीनियरिंग के लिए हमने बोला था यहाँ से आप ये वाले कॉस्ट ले लेना, प्रोडक्शन ऑर्डर एंड प्रोडक्शन लाइन ले लेना, ठीक है। एक मिनट भाई, चार्ज खत्म हो रहा है, बैटरी दी मेराज भाई, ए है आंसर, क्या हो गया भाई? जी भाई क्या बना? 4 है मेरा भाई, शायद $4 ए ए हो भी सकता, तो मुश्किल का बात किस पर है, देखो 3 लाख था डिवाइडेड बाय 3 लाख था, ठीक है जी। यस। अब बोला इसमें डिवाइडेड बाय 30 करना था, हाँ कर दिया,
दिस कर दिया, इसका मतलब ये है कि दिस डिवाइड बाई दिस कर दिया। अब चूंकि हमको बी का पूछ रहा तो बी पे मेरा 18 है, 180, तो मैंने 180 कर लिया। बी पे प्रोडक्शंस 12,000 का डिवाइडेड बाय 12, अंदरा आना चाहिए सी, सी आना चाहिए। बी का प्रोडक्शन 12 ऊपर है, मगर इंजीनियरिंग 3 लाख है ना मिराज भाई, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग 3 लाख पे, हाँ तो मैंने कौन सा 30 लाख पे किया, 3 लाख किया। इंजीनियरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बोल दिया था कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर एंड प्रोडक्ट लाइन पे होना है जी, तो डिवाइड बाय 30 कर देंगे तो आपका कितना आता है, 6,000 आता है, 18 करेंगे तो कितना आता है, 180,000 आता है, 12,000 यूनिट से उसको भागा लगाइएगा तो कितना आता है, 15 रुपये नहीं आता। अच्छा ये बी का पूछ रहा है क्या, ए का पूछ रहा है, ए 30,000 है, ये बी पूछ रहा था। हाँ जी 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 हाँ जी 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 हाँ सॉरी आई रॉन्ग कोले केमन चोलबे दादा, जी बी का पूछ रहा है। बांग्ला जानते हैं आप, बांग्ला में बोलता है ऐसे करेगा तो कैसे चलेगा। ठीक है दादा, दादा मतलब भाई, ओके ओके, सो यू हैव टू वेरी, यू हैव टू वेरी केयरफुल इन योर रीडिंग क्वेश्चन मैन। सो 6 इज समहाउ कंप्लीटेड, नाउ वी विल open the assignment number 7, just let me open that. Babe, चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो भाई। पढ़ो भाई पढ़ो 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 डी यल्ला डी सही जवाब पर कहीं से, when allocating the cost from one department to the another department, dual cost allocation method may be used. The dual is most useful when two or more cost pools are allocated. पहला, दूसरा बोला जा रहा है two or more department cost is to be allocated. तीसरा, two or more products are produced. चौथा, cost are separated into variable and fixed cost. Dual rate जब use होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, डुअल रेट होता है वो सिंगल कॉस्ट लोकेशन के लिए, डुअल रेट इस वो सिंगल कॉस्ट के लिए होता है, बट वी स्प्लिट इट इनटू द वेरिएबल एज वेल एज द फिक्स्ड पे कर लेते हैं। ठीक है, डुअल रेट कॉस्ट लोकेशन जब होता है, वी आर एलोकेटिंग द वन कॉस्ट बट वी आर स्प्लिटिंग इनटू द वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड। ओके ठीक है, बस इतना ही जानने का। डुअल कॉस्ट का मतलब है एक ही कॉस्ट है, लाइक आई कैन से दैट से 50,000 का कोई कॉस्ट है, ओके, बट दिस 50,000 में भी देयर इज अ 20,000 व्हिच इज वेरिएबल नेचर, क्योंकि क्या हो रहा है वेरिएबल नेचर का है, और बाकी का जो 30,000 है फिक्स है, आपका फिक्स नेचर का है। द ड्यूअल रेट बोलता है कि हम एक ही कॉस्ट को दो बेसिस से, यानी दो ड्राइवर्स या दो एक्टिविटी पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। That is the only difference between single rate and dual rate. Okay, single rate and okay, dual rate का मतलब ये कि एक one cost divided into or separated into or distributed into variable and fixed. उसका मतलब है dual cost. जी. Okay.
चलो क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, गिरते हैं। रॉक सिनेमा के बारे में कुछ पूछ रहा। कंपनी विशेष करे कॉलर के पाने यूज कर ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का, इसमें कोई पीछे की स्टडी की जरूरत नहीं है, इट्स नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है द मैनेजमेंट ऑफ द रॉक्स कंपनी, रॉक्स की कोई कंपनी का मैनेजमेंट है, बोलता है कि हर डिपार्टमेंट लीगल डिपार्टमेंट के सर्विस को यूज करें। क्वेश्चन समझे, रॉक्स एक मैनेजमेंट है, रॉक्स बोल रहा है कि हर डिपार्टमेंट, चाहे वो एचआर हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, ओके प्रोडक्शन हो, सब डिपार्टमेंट को चाहिए कि लॉ का, इसमें एक डिपार्टमेंट है लॉ, लीगल डिपार्टमेंट, बोल चाह रहा है कि लीगल का कॉस्ट जो है सबके ऊपर, सब डिपार्टमेंट सब डिपार्ट डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको यूज करें। तो देखो अगर लीगल का अपना यूजर्स को कम करते चले जाएंगे, मिनिमाइज करते जाएंगे, नेक्स्ट टाइम में बोलेंगे आई डोंट वांट टू यूज फॉर, आई डोंट टू यूज फॉर, आई डोंट वांट टू यूज फॉर, तो ये डिपार्टमेंट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, अननेसेसरी वो होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यह है कि अगर हम इसको जनरल कॉस्ट की तरह ट्रीट करते, कॉर्पोरेट कॉस्ट की तरह ट्रीट करते, तो हर डिपार्टमेंट उसके सर्विस को यूज भी कर लेगा और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएगा उसको कंट्रोल करने के लिए या यूज ये लेस करने के लिए। अब बोलना है पहला आंसर पढ़िए, अलोकेट द यूजर ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, तो ये प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा तो कॉस्ट लग रहा है, अब फिर बाद में ईयर एंड में बैठ के हम उसका एक्चुअल कॉस्ट निकाले, एक्चुअल यूजेस निकाले, डिस्ट्रीब्यूट करें, डिपार्टमेंट को अलोकेट करें, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, बजटेड रेट निकालते हैं और उसको हम एक्चुअल आवर से अप्लाई कर सकते हैं। बट ये इससे क्या होगा कि वो हर बंदा नेक्स्ट टाइम में चाहेगा आई डोंट वॉन्ट टू यूज दिस सर्विस। तीसरा बोलता है कि allocations of allocation allocated to user on the basis of a standard costing the same है, budgeted hours की जगह standard hours ले लिया, तो इसमें भी वही होगा कि हर बंदा will try to avoid the using of this legal services। तो government, तो management के लिए अच्छा decision क्या है कि सबको बोलता है भाई you don't need to bother, I will charge as a common cost for everyone, so use as whatever you want to use, इतना आपको लगता है आप यूज करते रहो, कोई परेशानी लेने का जरूरत नहीं। सो द आंसर इज डी। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि दे वांट टू इनकरेज द यूज ऑफ द डिपार्टमेंट, वो अगला चाह रहा है कि लीगल डिपार्टमेंट की सर्विस हर बंदा यूज करे। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक मिनट बोलिए। ओके, अभी माय मैनेजमेंट हो और मेरा लीगल डिपार्टमेंट का बजट है 500,000 पर मंथ। हाँ, ओके, अभी माय अलग अलग डिपार्टमेंट को ऑन व्हाट बेसिस आई विल आस्क देम टू डिस्ट्रीब्यूट, इक्वल बेसिस? नो, जनरली इट शुड बी ऑन द बजटेड रेट इनटू द एक्चुअल आवर, जनरली दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, but now the management is pushing that everybody should use the legal services, the management exceptionally pushing, bhai sab aadmi legal ka expense, legal ko utilize karo maximum, to har banda bolega yaar maximum utilize karunga to mera to overhead cost badh jayega, to avoid karega, to management ne bola ki nahi aisa chakkar hi nahi lagao, use karo
बाद में हम इसको कॉमन कॉस्ट मान लेंगे, इसको एज अ कॉर्पोरेट कॉस्ट सारे मतलब सारे डिपार्टमेंट पे, हम किसी डिपार्टमेंट पे चार्ज नहीं कर रहे हैं. Okay, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यूज करने में. ओके okay, इसका मतलब है जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था मेरा दिमाग में आना चाहिए था कि पहला इसको आवरली बेसिस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, फिर अभी फिर क्यों मैनेजमेंट पुश कर रहे हैं कि ऑलरेडी हो रहा था. नहीं तो मैनेजमेंट को लग रहा है ना कि इसकी सर्विस यूज करवानी है, हो सकता है कि वो लोग नहीं करना चाह रहे दूसरे डिपार्टमेंट उसके सर्विस को. तो मैनेजमेंट थिंक दैट कि नहीं हमको इसको यूज करवाना है क्योंकि हमने एक डिपार्टमेंट बना के रखा है, हमारा कॉस्ट जा रहा है और हर डिपार्टमेंट उसको अवॉइड करता है, वो बंदा आइडल बैठा रहता है, हमको हर महीने सैलरी देनी होती है. तो उसके लिए उसको बोला कि एक काम करो, तुम लोग डिसीजन मेकर मत बनो, तुम लोग अपने यूजर्स डिफाइन मत करो, तुम मेरे तरीके पे चलो, तुम समझो कि इट इज नॉट योर कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट फॉर द कॉर्पोरेट सो दैट यू कैन यूज दिस डिपार्टमेंट. अदरवाइज ये डिपार्टमेंट दिन भर आइडल बैठा रहेगा, नोबडी विल वांटेड टू यूज हिज सर्विस. या बिकॉज़ दे विल चार्ज. यस ओके. इसके पीछे की रीजनिंग ये है एक्चुअल में. ठीक है ठीक है ठीक है. अब आइए बोस्टन पे. बोस्टन अरे आजम भाई कुछ भी बोल लो यार, गलत सही क्या हो रहा है. जी मैडम डी मेरे लिए भी डी रहेगा. आप पढ़े फिर से शायद आप कहीं हो सकता है कि आपका नजरिया बदल जाए. बोस्टन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चरर सेवरल स्टील प्रोडक्ट यूजेस द थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फैब्रिकेशन असेंबली एंड फिनिशिंग. द सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूड द मेंटेनेंस एंड द मटेरियल हैंडलिंग एंड डिजाइन डिपार्टमेंट. एंड द कंपनी डज नॉट एलोकेट द सर्विस डिपार्टमेंट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जॉन डस्टर हु इज रिसेंटली जॉइन द कंपनी एंड द न्यू कॉस्ट अकाउंटर बिलीव दैट द सर्विस डिपार्टमेंट रेट शुड बी डेवलप्ड एंड चार्ज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द सर्विस रिक्वेस्ट. इफ द कंपनी अडॉप्ट द न्यू पॉलिसी द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर इज लीस्ट लाइकली टू वॉच. भाई क्वेश्चन सेम है. अब होता क्या था कि आज तक मैं इस क्वेश्चन का सिनेरियो बना रहा हूं. ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था ए बी सी. आज तक इसको इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कभी भी सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट चार्ज नहीं होता था. क्या एक्स एंड वाई का कॉस्ट कभी चार्ज नहीं होता था. ठीक है जी. ठीक है. तो आज तक इन लोग खुद थे, दे वर नॉट बॉदरिंग, उनको चार्ज नहीं होता था. ठीक है. अब जो कॉस्ट अकाउंटेंट नया वाला आया है वो बोला है कि हम इस कॉस्ट को अलोकेट करेंगे. आई वॉन्टेड टू यूज दिस कॉस्ट एंड अलोकेट. अब इनका जो कॉस्ट है 500 और 200 आई विल डिस्ट्रीब्यूट एंड गिव इट टू द कॉस्ट डिपार्टमेंट. अब मैं इसको कॉस्ट डिपार्टमेंट को दूंगा. तो कॉस्ट डिपार्टमेंट विल ट्राई टू लेस यूज, विल ट्राई टू लेस यूज ना, ताकि उसको कम से कम कॉस्ट अलोकेट हो. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, कम यूज करना स्टार्ट कर देगा ताकि इसके उसको सबसे कम बर्डन हो. ठीक है. तो द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अभी इस पे क्या बोल रहा है. ओके सी क्यू राइट नहीं है.
सी क्यों राइट नहीं है? Who gives right a he can refrain from using the necessary service? रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग नेसेसरी सर्विस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसको वो सर्विस चाहिए ही चाहिए ना। रिफ्रेन का मतलब रोकना होता है, स्टॉप करना। आपको जरूरत हो नहीं ले, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। आप एक्सेसिव यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप समझे मेरी बात को? ओके ओके, समझे समझे। मींस विदाउट यूज, ओके। फिर वो ये भी कर सकते ना, बी एनकरेज, यही करेगा ना। Least likely to increase the excess. Excess uses को वो सिर्फ control करेगा, बाकी सारी चीजें वो रहने देगा। ठीक है, तो ये है, थोड़ा सा है, logic based है। It is not required your preliminary accounting methods. अब ये वाला question है, ये हमने discuss किया हुआ है, but हमने बोला था कि theoretically the answer will be same. If you remember, और ये सीएमए का रिटायर्ड क्वेश्चन है ये वाला। इसका आंसर ए आएगा। एक्चुअल रेसिप्रोकल मींस एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है? अरे वो एक मेथड्स होता है भाई। एग्जांपल, अभी अभी कॉस्ट 100,000 है। I want to use reciprocal method. That means what exactly I should do? Reciprocal एक method है भाई। मैं उसको कैसे समझाऊं? मैं समझ, अरे भाई ये मैं जब एलोकेशन का मेथड जब पढ़ा रहा था ना, देयर वाज थ्री मेथड आई हैव एक्सप्लेन यू, द स्टेप डाउन मेथड्स एंड व्हाट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल्स एंड डायरेक्ट मेथड्स। तो मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल एंड डायरेक्ट मेथड थ्योरेटिकली सेम रिजल्ट देता है। ठीक, ओके। अभी रेसिप्रोकल करके उधर वर्ड यूज किया, ओके। मेरे पास 100,000 कॉस्ट है। अभी रेसिप्रोकल मींस मैं उसको एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट करूं, नहीं तो उसको मींस फॉर एग्जांपल स्क्वायर फीट के वाज अकॉर्डिंग टू और लाइट के हिसाब से देयर इज अ डिफरेंट वे टू डिस्ट्रीब्यूट। नो या बट द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल ना, इट इज जस्ट आस्किंग दैट रिजल्ट विल बी चेंजिंग ऑर नो। सो योर आंसर शुड बी सिंपली सेड दैट ओके, if you are following these two methods your answer will not change, that's all, simple. Okay, because it's I have explained you in detail, and this is again if I try to explain, and it is a theoretically, that what I have already told you in the beginning, so you don't, yes, you need to recall this, that's what. Now question number 5.
भाई साहब कुछ तो बोल लो। डी इंफॉर्मेशन चल सही है। हेलो यस माय ब्रदर। स्क्रीन ना वो हो गया मेरा। ओह सॉरी। हाँ भाई ये वाला पढ़िए 6 नंबर। भाई जी भाई
भाई साहब सिक्स बी सिक्स सिक्स बी है परफेक्ट मेरा आज करो। भाई बी। आई डोंट नो, लेट मी चेक। बी फॉर बांग्ला। बांग्ला सही है। ये जो हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी थी उसकी क्या बोलता है, सीधे बोलता है कहाँ से स्टार्ट करेगा, तो सर्विस डिपार्टमेंट से पहले स्टार्ट, सर्विस जी हाँ डिपार्टमेंट से पहले स्टार्ट करेगा। सही है, बोलो भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात, रेंडर इंसान फोर सपोर्ट डिपार्टमेंट्स मेंटेनेंस पावर कांटा क्वेश्चन नंबर सात पे। The method of allocating the cost of the system ए is बी फॉर दिल्ली। कितना नंबर है? अभी भी हमको शेफाली याद है भाई, इतनी खूबसूरत लगती थी। चलो आदमी का कोई भी एज हो, बचपना जाना नहीं चाहिए भाई। सेवन जी का आंसर डी अगर है तो सही है। इफ यू हैव एनी डाउट आई कैन रीड इट फॉर यू। मुझे लगा पी बोले तो रीड कर, ए या पी। देखो मैं पढ़ दे, मेरे को जो हम डाउट हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या बोलता देखो सबसे पहले बोल रहा है रेंडर, रेंडर इनकॉर्पोरेशन हैज अ फोर सपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है जी, सर्विस डिपार्टमेंट है, थ्री ऑपरेशन डिपार्टमेंट, तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। द सपोर्ट डिपार्टमेंट प्रोवाइड द सर्विस टू द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, ये तो नॉर्मल सी बात है। अनदर सर्विस डिपार्टमेंट, द मेथड ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट इज द बेस्ट रिकॉग्नाइज द म्यूचुअल सर्विस रेंडर्ड बाय द, तो दोनों को एक दूसरे को जब सर्विस देते रहते हैं ना म्यूचुअल, तो सबसे बेस्ट वे क्या होता है? रेसिप्रोकल। स्टेप डाउन में तो मुश्किल हो जाता है। अच्छा ये कोई डुअल रेट एलोकेशन मेथड नहीं होता, जब हम नीचे आते हैं ना तो हमारे पास सिर्फ तीन ही मेथड है मेरे भाई, या तो डायरेक्ट होगा नहीं तो स्टेप डाउन होगा नहीं तो रेसिप्रोकल होगा। क्लियर? ये डुअल बोल के कंफ्यूज कर दिया आपको। डुअल में तो हमने बताया था कि कॉस्ट एलोकेशन होगा वो एक वेरिएबल एंड ओवरहेड के लाइन पे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आठ जो है, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। सिंपल मेथड से डायरेक्ट वर्ड आपको बोलना है कि डायरेक्ट मेथड यूज करना, लोको एलोकेटिंग सर्विस डिपार्टमेंट डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा, उसके बाद बोल रहा है द ओवरहेड, द ओवरहेड ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट वुड बी एलोकेटेड बाय डिवाइडिंग विच अमाउंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार ऊपर से नीचे तक पढ़ लियो, फिर आई विल लेट यू नो। क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन। आई थिंक अगर रीडेबल है तो आई कैन से एनीथिंग। ये क्वेश्चन नंबर आठ अगर रीडेबल है तो पढ़े, क्योंकि ये 2 पेज में चला गया था।
बोले भाई कुछ समझ आया क्या? नहीं आया। नहीं आया। बोल रहा है द लोगो हैज अ टू, आई एम जस्ट मेकिंग इट 100 बिकॉज आई कैन नॉट रीड इट। The question is say that Logo Incorporation has a two data service department, service department and facilitating department that provide the support to the three production department, machine assembly and other specialization department. The overhead cost of the service departments are allocated to other departments on the basis of computer uses. Okay, so it is very clear. System department is distributing his cost based on the computer's usage hour, and the overhead of the facility is allocated based on the square feet occupied by the other department. Okay. Now the question is saying that हमको बताना है system department का, किसका बताना है? सिर्फ system department का। तो system department का जो allocations होगा वो किस पे होगा? computer hour पे होगा। तो आपके computer hours कितने हैं भाई साहब? आपके कंप्यूटर आवर्स है 9300, बट इफ़ यू आर यूजिंग डायरेक्ट मेथड, इफ़ यू आर यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो आप जो अपना आवर्स डिस्ट्रीब्यूशंस रखेंगे जो आपके इस पे लगेगा, जो आपके किस पे लगेगा? सिर्फ मैन, जो आपके ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट पे लगेगा, जो मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे लगेगा, तो आपको यू हैव टू एड 3600, 1800 एंड 2700। ओके, सो मैं इस क्वेश्चन को एक बार आगे ले जा रहा हूँ, सो दैट मे बी इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड यू। तीन सौ, अच्छा देखो ये 9300 आवर्स है। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि ये तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये दो सर्विस डिपार्टमेंट है, तो ये दो को हम सर्विस डिपार्टमेंट बोल दें, ये तीन को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल दें। क्लियर हो गया भाई साहब? इज देयर एनी इश्यूज? नो। नाउ बोल रहा है कि हम डायरेक्ट, हमको ये चाहिए, हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका जो भी कॉस्ट है लाइक से 200,000 का कॉस्ट है, तो दिस 200,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन दिस। हाउ, व्हाट इज द डिनोमिनेटर फॉर द एलोकेशंस? डिनोमिनेटर विल बी 8,100। ओके, तो आपका ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है भाई? क्योंकि हमने बोला था कि जब आप प्रोडक्शन या सर्विस डिपार्टमेंट में बांटेंगे तो यू विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट अंडर द डायरेक्ट मेटर मेथड सर्विस टू सर्विस, यानी सिर्फ जाएगा सर्विस टू प्रोडक्शन। तो आई टुक सर्विस टू प्रोडक्शन, सो 8100 वुड बी द आंसर। सो दिस इज द बी इज द आंसर फॉर दिस, बी उसका आंसर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर स्टेप डाउन मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है? स्टेप डाउन मेथड यूज करना है, और साथ में बोला है क्या कि एडम कॉर्पोरेशंस मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर टेबल्स एंड उनके साथ ये सारे कॉस्ट लगे हुए हैं और ये एलोकेशन ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है उसके, एंड द टोटल ओवरहेड दिया हुआ है। साथ में बोला है कि हमको बताना है टोटल ओवरहेड नियरेस्ट टू द मशीनिंग डिपार्टमेंट, मशीन डिपार्टमेंट अलोकेट टू इट्स प्रोडक्शंस। तो इसमें मशीन डिपार्टमेंट कौन सा हमारा? टोटल ओवरहेड रंडेड टू द नियरेस्ट डॉलर्स फॉर द मशीनिंग डिपार्टमेंट टू अलोकेट टू द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये हमारा मशीनिंग डिपार्टमेंट है। सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम मेंटेनेंस, डेवलपमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग मशीन्स एंड डिपार्टमेंट फैब्रिकेशन। तो हमको ये बताना है कि इस वाले में का, इस वाले पे कितना टोटल कॉस्ट आएगा। सो
ठीक है, तो अब हम इसकी थोड़ी सी आपको वर्किंग सिखा दे रहे हैं, क्योंकि ये स्टेप डाउन का अच्छा सा क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ। सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो क्या काम होगा बताइए, कि हम इस पे लिखना स्टार्ट करेंगे। के हमको ये, हम इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लेते हैं एक्सेल पे। सिस्टम डिपार्ट, अब ऊपर का जो चीज है उसको मैं एक बार लाके बिठालता हूं, ठीक है। अब बोला ये सिस्टम मेंटेनेंस है, सिस्टम डिपार्टमेंट है, चलो मैं इसको सिस्टम डिपार्टमेंट ले लेता हूं। ये फैब्रिकेशन, ये डिपार्टमेंट आपको समझ आ रहा है, ये चार डिपार्टमेंट हमने बनाए हैं, ठीक है जी, चार डिपार्टमेंट। अब हमको कॉस्ट एलोकेशन समझना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो मेंटेनेंस वाला जो डिपार्टमेंट है ना, ये जो मेंटेनेंस वाली जो डिपार्टमेंट है ना, ये सिस्टम मेंटेनेंस, वो अपना क्या बोलता है, ये जो सिस्टम मेंटेनेंस वाली जो डिपार्टमेंट है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये बोल रहा है कि काम करते हैं हम, हमारा जो कॉस्ट बनता है ना, हम उसको कैसे कैसे बांटेंगे, हम उसको बांटेंगे अपने जो 360 को जब हम बांटेंगे तो कैसे कैसे बांटेंगे, वो हम देंगे 10% इसको देंगे, इसको देंगे दूसरे वाले डिपार्टमेंट को, तो 10% हम यहाँ दे देंगे, बाकी बोल रहा है कि हम इसको 50 देंगे, और तीसरा बोल रहा है कि हम इसको 40 देंगे। तो इस तरह से ये काम करेगा। अब सेकंड वाला डिपार्टमेंट बोलता है कि ये काम करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट से लेके, ये मेंटेनेंस था पहला वाला, अब ये मेंटेनेंस का मामला था, अब दूसरा मामला बोल रहा है कि सिस्टम जो डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट है वो क्या क्या देगा, वो 5% देगा, फिर उसके बाद ये 0 हो जाएगा, और ये 45 दे देगा, और ये 50 दे देगा। तो इस तरह सबके 100-100 आ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस डिपार्टमेंट की, मेरे से क्वेश्चन ने कॉस्टिंग पूछी है कि इस डिपार्टमेंट पे टोटल कॉस्ट कितना बनेगा, इस डिपार्टमेंट पे हमारा टोटल कॉस्ट कितना बनेगा, अब वो भी हमको स्टेप डाउन मेथड पे बनाना है। किस पे बनाना है, स्टेप डाउन मेथड पे बनाना है, क्लियर जी। तो अब हम सबसे पहले इस कॉस्ट को, 360 है, इसको हम बांट रहे हैं, 360 को हम इस परसेंटेज पे बांट रहे हैं, दिस इज ऑल परसेंटेज, तो आई विल जस्ट ऐड दिस परसेंटेज, 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 ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब ये बोल रहा था कि हम 10% किसको दे रहे हैं, बोलिए भाई, इसको दे रहे हैं, यानी ये भी क्लियर है, मामला सेट है,
अब इसके अपना तो कुछ नहीं बच रहा है, अपना कुछ नहीं बच रहा। अब हम इसको फिर सम कर रहे हैं, हम सम में ये ले ले रहे हैं और ये ले ले रहे हैं। इसका सम जीरो हो गया, इसका सम जो है बढ़ गया, इसका सम भी बढ़ गया और इसका सम भी बढ़ गया। अब हम सेकेंड लेवल पे आ रहे हैं। अब हमने बोला था ये मेंटेनेंस के डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है। अब सिस्टम के मेंटेनेंस, सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड मैंने बोला था ये काम करना कि आप सबसे पहले ये 95,000 है, इसको हमने फिक्स कर लिया, इनटू हमने फिक्स कर लिया। अब मैंने कहा क्या कि इसके 45% आएंगे भाई साहब, इसमें जो है 50% आ जाएंगे और इसमें इसके कितने परसेंट आएंगे, 5% आएंगे, ठीक है जी। अब इसके पास जो 5% आ गया तो अब यहाँ पे जो है फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा वो देखिए। अब इसके पास जो 5,000 आया, अब ये फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा इस रेशियो पे, इस रेशियो पे, ऊपर के रेशियो पे, क्योंकि ये स्टेप डाउन है तो आपको बार बार रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हम ये लिया, तो हमने फ्रीज किया, मल्टीप्लाई बाय दिस किया, फिर हमारा ये आ गया, फिर हमारा ये आ गया। अब ये खत्म हो चुका। अब हम सेकंड में अब फिर ये 475 को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो फिर हम जब 475 को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं तो इसको मैंने फ्रीज कर दिया इनटू क्या रेट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 5% इसको आ रहा है, इसको जो आ रहा है सो आ रहा है, इसको जो आ रहा है सो आ रहा है, क्योंकि ये क्लियर है। अब फिर इसको जो 23 रुपये आया वो अब बटेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 23 रुपये किस फॉर्म में बटेगा, 10 रुपये। फिर हम यहाँ डालेंगे, इसको मैंने फ्रीज कर दिया था। अभी देखिए ये जो है अब 2 रुपया क्या बांटना, तो 2 रुपया हम किसी पे ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। 2 रुपया मान लो हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं, 2 रुपया से बांटोगे फिर कहानी तो बढ़ती जाएगी। अब देखो पहले इसके पास 2 लाख था, 1,80,000 आया, फिर उसके बाद 4,275 भी आ गया, फिर 2,375 आ गया, फिर 2,318 आया, फिर 18 आया और फिर 2.3 आया। इस तरह 4,25,253 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो मेरे को ये लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, आई डिड मिस समथिंग। आंसर है 445,000 का। बट जो आंसर किया हुआ है वो किया हुआ है रेसिप्रोकल मेथड पे, सॉरी 9 नंबर का आंसर है हमारे पास 442,053। द आंसर इज सी, 442,053 आंसर इज सी, 442,053 आंसर इज सी। Then let me check one more time. तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि 360 का 50% आ जाएगा, तो ये एक करेक्ट है। उसके बाद है 136 का जो आएगा वो क्या आएगा, 45,000, सो दैट इज कमिंग 95 + 36,000 का 45,000 आना चाहिए, 45%, जो कि ये गलत है। तो 42,000 आ रहा है, इनका 47,000 आ रहा है। उसके बाद जो है ये 41,000 तो खत्म हो गया था, उसके बाद जो है दिस इज द 5%, अब इनका 5% हमारा आया 2,000, फिर आया हमारा 3,000, फिर हमारा आया ये सम का आंसर वैसे सी है, बट आई एम नॉट कन्विंस, दिस आंसर इज नॉट करेक्ट आई बिलीव।
45% ये हमने जो किया ये इसका आंसर सही है भाई। इस ऑप्शंस में कहीं पे नहीं है ये वाला, लेकिन सो आई कैन से 422 ये आंसर गलत है, लिखा तो रहा है बट दिस इज आंसर इज रॉन्ग। अब इसको हमको यूज करना है कौन सा मेथड पे, डायरेक्ट मेथड पे यूज कर रहा है, तो डायरेक्ट मेथड तो आसान है हमारे लिए। डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो हमारा जो 36,000 है इसको हमने 4:9 पे बांट देना है। तो अगर सेम क्वेश्चन हमारा था अगर डायरेक्ट मेथड पे, तो हम सिंपली यूज करेंगे, ये डायरेक्ट मेथड है तो हम इसमें कुछ भी नया लॉजिक नहीं लगाएंगे, यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे, हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब हम सिंपल 4:5 का ये जो रेशियो है इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको, दिस डिवाइड बाई 90 × 50 और इसको हो जाएगा 360 − 200। फिर उसी तरह हमारा ये जो बनता है 95,000 डिवाइड बाई 95 × 45 ये कर लेंगे और जो बचेगा डिवाइड बाई 95 डिवाइड बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 45 उसके बाद जो बचेगा ये हमारा क्या बच जाएगा 50,000। तो ये हमारा हो गया, अब हमारा allocations बनेगा 445 और इधर में बन जाएगा हमारा 510। क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा था, मशीनिंग डिपार्टमेंट का मांगा था, तो हमारा आंसर बनेगा 445,000, आंसर डी बनेगा। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, जो कि अंडर डायरेक्ट मेथड था, अंडर डायरेक्ट मेथड, क्योंकि अंडर डायरेक्ट मेथड में हमने सिंपल बात ये कही थी कि यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द सर्विस टू सर्विस, सो व्हाट एवर बी द फिगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसके किसके बीच में, प्रोडक्शंस के बीच पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल था, ऊपर वाला हमने सही करा है, पीछे का आंसर रॉन्ग है। ठीक है, सो वी आर डन टू गुड, बट आप घर पे हमको नहीं लग रहा है कि यू डिड द प्रैक्टिस, डन फिनिश, तो गुड। वो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट असाइनमेंट जो है हमारा जो 8 स्टार्ट होगा वो हम लोग मंडे को करेंगे, और मंडे मेरे को लगता है कि आई विल स्टार्ट विथ न्यू सेक्शन एंड यू हैव टू डू दिस 2 बैलेंस असाइनमेंट, 3 बैलेंस असाइनमेंट। ओके सर। ओके भाई। ओके।